दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा और तरीन खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें फर्जी मुकदमे में फंसा कर धन उगाही करता था गैंग, दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पार्षद हुआ फरार। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें विधायक गोपाल मंडल बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते आए नजर, वीडियो वायरल हो गया है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद में पहले राउंड का सर्वे पूरा हो गया है, कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में हुई वीडियोग्राफी। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उन्नाव में बुलडोजर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा कारोबारी, कहा हम भी बीजेपी को वोट देते हैं। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दोस्त की बहन ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव तो युवक ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान मौत हो गई है। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रुद्रपुर में खनन के विवाद में बीजेपी नेता संदीप कार्की की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। दोस्तों इलाके में हंगामा मच गया है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान घायल हुए युवक की मौत, परिजनों ने प्रशासन पर लगाए बड़े और गंभीर आरोप, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें शराब की बोतलें लेकर डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी की महिला विंग, पुलिस ने रोक लिया है। दोस्तों जानेंगे इन सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, या पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो एक महिला को बहला फुसला कर पैसे हड़पने के लिए गलत काम का झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे थे। दोस्तों पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए सिविल लाइन्स के पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुरादाबाद जनपद में ग्रुप सक्रिय था जिसमें एक पार्षद भी आरोपी है जो मुरादाबाद जनपद का रहने वाला है। सद्दाम पार्षद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक महिला के साथ एक युवक को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था जिसमें पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। दोस्तों पुलिस की सतर्कता के चलते फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं इस पूरे मामले में महिला ने पुलिस की गवाही बन गई है और आरोपियों के खिलाफ गवाही भी दे दी है जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार पार्षद सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई, छापेमारी की जा रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के भागलपुर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक बार फिर से नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो दिलबर और बुलेट पर जीजा गाने पर बार बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। गोपाल मंडल विधायक एक शादी के रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे, वहां डांसर और भोजपुरी गाने को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और जहां विधायक गोपाल मंडल में हो तो माहौल रंगीन हो जाएगा, वहीं विधायक कुर्ता उठा उठा कर डांस करने लगे। अक्सर अपनी हरकतों की वजह से विधायक सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है जिसमें विधायक बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते और पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक सबोर के फतेहपुर गांव के एक रिसेप्शन में पहुंचे थे, रिसेप्शन में स्टेज सजा हुआ था, बार बालिकाएं डांस कर रही थी इसीलिए गाना भी बज रहा था। माहौल इतना बना हुआ था कि ठुमका लगाने में जेएडयू विधायक ने जरा भी देरी ना की, वो फौरन स्टेज पर पहुंचे और बाल बालाओं के साथ हाथ पकड़कर उनके साथ डांस करने लगे और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। दोस्तों विधायक गोपाल मंडल ने अपने कुछ किस्से भी बताए, उन्होंने कहा कि जब भी संगीत बजता है तो मैं बेकाबू हो जाता हूँ, मेरे पैर थिरकने लगते हैं। पिछले दिनों हमको मुख्यमंत्री जी ने भी कॉल किया था, वे पूछ रहे थे आप नाचते क्यों हैं, तो मैंने कहा था कि कलाकारों को नाचते देख मैं रोक नहीं पाता। फिर लगातार एक के बाद एक हिंदू हो या भोजपुरी गाना सभी पर विधायक ने ठुमके जबरदस्त लगाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद में पहले राउंड का सर्वे पूरा हो गया है। बता दी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह फिर से अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का पहले राउंड का सर्वे आज पूरा कर लिया। पहले राउंड में ज्ञान व्यापी गौरी श्रृंगार परिषद में दो तहखानों का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी पूरी कर ली गई है। कल ज्ञान व्यापी मस्जिद में ऊपर के कमरों का सर्वे होगा।
ओल्ड कमिश्नर के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से आज पहले राउंड का सर्वे पूरा कर लिया गया है। ज्ञान मैपे में सर्वे टीम और वादी प्रतिवादी पक्ष समेत 52 लोग सर्वे के दौरान मौजूद रहे। दोस्त बेसमेंट में 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के थे, उन्हें ताला लगा हुआ था। मस्जिद प्रबंधन समिति ने चाबियों से बंद कमरे को खोलकर सर्वे करने की अनुमति दी। चौथा कमरा हिंदू पक्ष का था, उसमें कोई दरवाजा नहीं था, इसीलिए बिना किसी बाधा के सर्वेक्षण किया गया। दोस्तों, मस्जिद प्रबंधन समिति ने पहले संकेत दिया था कि अभी के लिए वाराणसी की एक अदालत द्वारा सौंपी गई टीम के साथ सहयोग करेगी। पिछले हफ्ते मस्जिद समिति द्वारा अभियुक्तों के बीच सर्वेक्षण को रोक दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं था। समिति ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया, उन्हें बदलने के लिए याचिका दायर की। दोस्तों, जिला अदालत ने याचिका खारिज कर दी और 17 मई तक काम पूरा करने का आदेश दे दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने भी सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में 2 बंद बेसमेंट खोलने पर आपत्तियों की खारिज कर दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक साक्ष्य मिले हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। बता दें कि 17 मई तक ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को देनी है। अदालत ने कहा कि अगर सर्वेक्षण के लिए परिसर के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं है तो ताले तोड़ दिए जाने चाहिए। इसने जिलाधिकारियों से भी कहा है कि यदि सर्वे को विफल करने का प्रयास किया जाता है तो प्राथमिकता दर्ज करें। दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रतिष्ठा काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत दिल्ली स्थित महिलाओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें इसकी बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवता की मूर्ति के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उन्नाव में बुलडोजर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा कारोबारी, कहा हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक व्यापारी का बुलडोजर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो व्यापारी रोने लगा। बुलडोजर देखकर छाती पीटते हुए व्यापारी कहने लगा, हमको मार दो। वीडियो में रोते हुए कारोबारी बोल रहा है कि एक एक पाई जोड़कर बनाया है। बता दें कि शुक्रवार को उन्नाव शहर में छोटा चौराहे से बड़ा चौराहे के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला था। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब नेता संजय सिंह ने भी ट्विटर पर वीडियो शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला है। माँ बेटा दोनों हाथ जोड़कर रो रहे हैं, बेटा छाती पीट कर चीख चीख कर कह रहा है हम भी बीजेपी को वोट देते हैं, सॉरी बेटा, आगे गलती मत करना, जो बीजेपी को वोट देते हैं बीजेपी उनके घर तोड़ती है। दोस्तों, बता दें, उन्नाव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, जिसमें कई जगह जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया। वहीं उन्नाव शहर में बड़े चौराहे से लेकर गांधीनगर त्राहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चलाया गया। एक रियल मी मोबाइल शोरूम में बाहर लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने कहा तो प्रशासन की जेसीबी हटाने पहुंच गई। शोरूम संचालक उत्सुक शुक्ला हाथ जोड़ते हुए गड़गड़ाने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलडोजर देखकर छाती पीटते हुए कह रहा है कि शोरूम संचालक ने कहा है कि हमको मार दो। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दोस्त की बहन ने शादी से ठुकराया प्रस्ताव तो युवक ने खुद को लगाई आग। बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के गांव के एक युवक ने युवती द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली है। अधिकारियों ने शनिवार को बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवक को बचाने के चक्कर में युवती और उसके माता पिता वे भाई भी जल गए हैं। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है, जबकि युवती और उसके परिजनों की हत्या की हालत स्तर बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि फरुखाबाद जिले के सलीमपुर अटासा का रहने वाला विमल किशोर, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। इसके साथ गोंडा जिले में महेश भी रहता था। गौतम के अनुसार विमल और महेश गहरी दोस्ती होने एक काल एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच विमल की महेश की छोटी बहन से प्यार हो गया और वे उससे बातचीत करने लगा। गौतम के मुताबिक विमल शुक्रवार को महेश के साथ उनके घर पहुंचा था और जब रात का खाना खाने के बाद लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि लड़के ने इनकार से सुखद होकर विमल से अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगा ली। गौतम के अनुसार लड़की के परिजनों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें महेश और उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जबकि उसके पिता व बहन आंशिक रूप से जल गई।
उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां चिकित्सकों ने विमल को उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य चार लोगों का इलाज जारी है। गौतम के मुताबिक स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों की घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रुद्रपुर में खनन के विवाद में बीजेपी नेता संदीप करकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें रुद्रपुर में खनन की बात को लेकर खनन कारोबारी को गोली मार दी गई। खनन कारोबारी और बीजेपी नेता संदीप करकी हायर सेंटर में मौत हो गई है। दोस्तों उधम सिंह नगर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रुद्रपुर में अवैध खनन को लेकर जनपद में लगातार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की घटनाएं अब आम हो गई हैं। ताजा मामला शांतिपुर क्षेत्र का है। यहां पर खनन के विवाद को लेकर एक शख्स द्वारा भाजपा नेता भी खनन का कारोबार करने वाले संदीप करकी को गोली मार दी गई, जिन्हें परिजन किच्छा अस्पताल ले गई। किच्छा अस्पताल में संदीप की हालत गंभीर देखकर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हायर सेंटर में संदीप करकी की मौत हो गई है। घटना अवैध खनन को लेकर हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों एसएसपी मंजुनाथ सिटी के अनुसार ललित मेहता के साथ संदीप करकी का विवाद हुआ था। डंपर खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में ललित मेहता ने संदीप करकी को गोली मार दी। एसएसपी का कहना है कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ललित मेहता ने जब संदीप करकी को गोली मारी तब उसके परिवार के लोग भी उसके साथ मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि वे जल्द इस मामले में एक्शन लेंगे और आरोपी ललित मेहता को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। पुलिस टीम ललित मेहता और उसके परिजनों को तलाशने में जुट गई है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दें, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें।